हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मधु। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिए, इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक थ्रेड लेके उसको ऐसे नॉट लगानी है, इस तरह से ऐसे। अब इस थ्रेड को ऐसे उंगली में लपेट ले और इस थ्रेड को अपने रिंग के बैक साइड में ऐसे जहाँ से एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ पे ऐसे रख दे। इसके बाद हमें सिंपल चेन स्टिच करनी है। अगर आपको चेन स्टिच नहीं आती तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऐसे ही हमें पूरी चेन बना लेनी है। इस तरह से हमने चेन बना ली है, हम इसको अब नॉट लगा लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले थ्रेड को ऊपर उठा लेंगे। थ्रेड को ऊपर उठाने के बाद हमें ऐसे दो थ्रेड दिखाई देंगे, उसमें से जो राइट साइड में होगा उसको हम अपने नीडल में अटका के आगे वाली लूप से बाहर निकालेंगे। और थ्रेड को लूप में से बाहर निकालते ही हमें नीचे का थ्रेड नीचे खींचना है। इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और नीचे का थ्रेड खींच लेंगे, तो बन गई हमारी नॉट। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ, ये दो थ्रेड होंगे हमारे, उसमें से राइट साइड में जो रहेगा इसको हम ऐसे अपने निडल में अटका के ऐसे सामने वाली लूप में से बाहर निकालेंगे इस तरह से, और नीचे का थ्रेड खींच लेंगे, तो बन गई हमारी नॉट। आपको दिखाने के लिए ज़्यादा थ्रेड बाहर खींच लिया था, अब मैं आपको एक्चुअल में कम थ्रेड बाहर निकाल के नॉट कैसे दिखती है ये दिखाऊंगी। इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे पहले। देखिए, नीचे खींचेंगे तो ज़्यादा ऊपर थ्रेड नहीं दिखाई देगा, एकदम सरफेस प्लेन दिखाई देगा, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।